तो ये समझ लो कि 12 रुपये किलो ये आलू अपनी खरीद हो रही है रुद्रपुर मंडी में, और प्याज खरीद हो रही है 20 रुपये किलो। रुद्रपुर मंडी यहाँ आलू और प्याज सब कुछ मिलते हैं। आलू का इस टाइम रेट है, ये देख सकते हो आप गाड़ी में भी जो आलू है उसका रेट है 550 रुपया। मैं ये चीज़ आप सभी के बीच दिखाना चाहता हूँ। मैं गाड़ी में लोड करा रखा हूँ, ये मेरी गाड़ी है, और ये जो सामने दिख रहा है ये आलू है मेरे गाड़ी में, और ये जो पीछे दिख रहा है ये मेरे गाड़ी में प्याज है, और मैं अभी मंडी में खड़ा हूँ। मैं आलू प्याज अभी लोड करा के मैं अभी यहाँ से जाता हूँ हरा सब्जी खरीदने के लिए, देखता हूँ कि क्या क्या रेट मिल रहे हैं। ये अदरक है 120 रुपये किलो, और ये हरी मिर्च 60 रुपये किलो, और ये जो नींबू है ये चाचा के सामने ये 60 रुपये दे रहे हैं। उधर वो जाली में जो नींबू आप नीला गाड़ी जो दिखाई दे रही है वो मेरा टुकटुक है, उसमें मैं अपना सब्जी अभी अभी लेके रखा हूँ, और मैं देखता हूँ कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ये मंडी से निकलने का रोड है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ अपना, इसीलिए ये थोड़ा सा वीडियो मतलब ऐसे हिल रहा है। अब मेरे साथ में कोई नहीं है दोस्तों, मैं अकेले हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ मैं अकेले करने का प्रयास में लगा हूँ। और मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं करूँ या शुरुआत से दिखाऊँ तो इतना सच्चाई हो कि जिसमें किसी को कोई बात कहने की मौका ना मिले। मैं सब कुछ सच्चाई और रियल दिखाना चाहता हूँ ताकि फेंक बात कुछ ना हो। ये बोर्ड है और मैं आगे चल के दिखाता हूँ आप सभी को। ये दो दरवाजे हैं इस मंडी का, एक दरवाजा से आदमी निकलता है और एक दरवाजे से उधर से आदमी मंडी में जाता है, और ये है जो कि किच्छा से आ रही है रोड। ये जो रोड है वो किच्छा से आ रही है, किच्छा से आके और सीधे इधर रुद्रपुर के तरफ जा रही है, रुद्रपुर इंदिरा चौक ये रोड जा रही है। ये जो मैं अभी रोड में घूम गया हूँ, रोड में घूम के और मैं अपने गाड़ी को शुरू कर दिया चलाना। ये रोड सीधे जाएगी रुद्रपुर से होते हुए, इंदिरा चौक से होते हुए सीधे गदरपुर के तरफ। चलो फिर अब आगे की कहानी क्या होती है गांव में मैं दिखाता हूँ। ये गदरपुर का मेन सिटी है, यहाँ से आप जाओगे ये रोड कट रही है, ये जस्ट रोड यहाँ से कट रही है। गुलर भोज मोड़ जाओगे आप, उसके बाद से वहीं पे डैम है, डैम घूमने का अगर शौक हो तो आप एक बार ज़रूर जाएं। और ये सीधे जाएगी काशीपुर, वही हाईवे में जाके मिल जाएगी रोड। अब इसके बाद सकेनिया मोड़ आएगा, सकेनिया मोड़ से 200 मीटर आगे मेरी दुकान है। दुकान पे पहुंचने के बाद मैं दिखाता हूँ मैं अपना दुकान, और दुकान में क्या क्या सब्जी है या नहीं है ये भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन मुझे आज काफ़ी लेट हो गए हैं मंडी से आते समय में, मंडी से आते समय मैं सोचा कि कुछ गांव में बिक्री हो जाएंगे, मैं गांव में चला गया। उस गांव में 1000 रुपये का बिक्री हुआ है मेरा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी जो भी है सब सही है। ये आ गया सकेनिया मोड़, यहाँ से आप सकेनिया के लिए निकल जा सकते हो। इधर मुड़ोगे आप ये सीधे जाएगी रोड सकेनिया। यहाँ से 200 मीटर आगे मेरी दुकान है सब्जी की, तिकोनिया मोड़ उसको बोलते हैं, जो पिक्चर हॉल गली वहीं से जाती है, मंदिर भी है वहीं पे, उसके बगल से रोड निकल रही है तिकोनिया मोड़, उसी मोड़ पे मेरी सब्जी की दुकान है। कोशिश करता हूँ कि इसमें वीडियो में कट ना हो और लगातार ही मैं जाके दिखा दूँ आप सभी को, इसीलिए ये है मेरा दुकान जो कि मैं अपने दुकान पर अभी अभी पहुँचा हूँ। ये दुकान पर गाड़ी पहुँची है, ये देखो आप दुकान में गाड़ी में जो सब्जी था वो अब सब दुकान में लगेगा। दुकान में कुछ सब्जी ना है, दुकान में कोई सब्जी ना है। मैं चाहूँगा कि ये मेरा पहला वीडियो है, पहला वीडियो है, और आप सभी के बीच में ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये दुकान सकेनिया वाले रोड पे तिकोनिया मोड़ पे है। और कहीं से भी आप देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है ताज़ा सब्जी गदरपुर वाला।